बार फर्क होगा क्या है? पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कब तक लगे रहेंगे स्मूदी बना कर लाए पीना, पानी पटाना है अभी। अच्छा पी लीजिए तो पटाइएगा, आगे लो पानी पिला दे रहे हैं तब खुद पीना है। ठीक है तो बताइए 32 बार फर्क क्या है? पूछ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं, हम तो बहुत बता चुके हैं। चबाने से लार निकलता है चार, यही ना बोलते हो? हाँ। कितना लार निकलता है? कितना लार निकलता है ये तो गिनती नहीं पता है, आप बता दीजिए। अगर एक स्वस्थ आदमी है तो खाना खाने वाले वो डेली 30 मिनट का वक्त लेता है, लेना चाहिए, आराम से खाना चाहिए, तो 1000 से 1500 मिलीलीटर लार निकलता है। कितना? एक बाइट में? दिमाग खराब है, एक दिन में तो वो ही ना, क्लियर बोलिए। एक दिन में जितना भी खाना खा रहे हैं सबके साथ, तो अगर अच्छे से चबाएंगे तभी तो निकलेगा ना, नहीं चबाएंगे तो नुकसान होगा। पान जो खाते हैं लोग, पान खाना, उसमें हम भी शामिल हैं, आप भी खाते हैं, मेरा स्मूदी दे दीजिए, हम पीते हुए अपना काम करें। पान जो खाते हैं लोग उनका लाभ तो मुझे जाया हो जाता है पान चबाते हैं। एक्चुअल में खाना जो है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, उसकी शुरुआत मुंह से ही होती है, ऐसा नहीं है खाने के बाद पेट से पचना शुरू होता है। खाना जो है मुंह से ही उसकी शुरुआत होती है, वही लार के साथ चबाते चबाते। हाँ, जब हम इसको चबाते हैं तो खाना मीठा होने लगता है, मीठा महसूस होता है। कोई चीज खाइए आप उसको ढंग से चबाइएगा, इसके वो लार से उसमें मिठास आ जाता है। स्मूदी उसको मुंह में कुछ देर रखिए, घोलिए उसको मुंह में, ताकि वो लार में मिल जाए, तब हो जाए अंदर तो पचने में आसान। मुंह का काम पेट को नहीं करना चाहिए, यानी कि मुंह का काम है और पेट के पास पहुंचा दिए, अगर सेवाएं पहुंचा दिए तो मुंह का काम अगर पेट को करना पड़ेगा तो नुकसान होगा, फिर पचने में दिक्कत। तो जिसका जो काम हो वो होना चाहिए, मुंह का काम पेट को नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे गांव में जाओगे देखोगे देहात में गन्ना का जूस लोग पीते हैं, गन्ना का जूस पीने के बाद कहा जाता है कि गन्ना का जूस जैसा पी लिए और ऐसे ही पी लो उसको, तो वैसा नहीं करते हैं, खूब मुंह में घुमा रहे हैं और तब जो है अंदर कर रहे हैं, बस पी लिए तो पी लिए पी लिए। उसके बाद लोग क्या करते हैं कि कोई ईख लेते हैं और उसको अपने से उसको चूसते हैं, चूस करके जो है उसको ईख लेता है, ताकि जो हम जो जूस पहले पिए हैं वो ऐसा होता है, करते हैं ये लोग करते हैं, ऐसा नहीं बहुत मेडिकल साइंस है, और ये गांव के लोग भी इस चीज को महसूस करते हैं कि जैसे कि अगर वैसे ही जूस पी लिए पेट दर्द करने लगेगा, पचेगा नहीं। तो ये देहात में जाओगी कहीं पे अपने भी लोग जो है पचाने का तरीका, ये बस जूस पीने के बाद एक लेंगे उसको भले ही थोड़ा हिस्सा, मतलब कि उसको गुल्ला बना बना करके उसका चबा करके, तब ताकि वो गुल्ला बनाए चबाइएगा जब आप तो वो चाहता है अंदर करता है, तो कुछ मेकअप करता है गुल्ला चला के अंदर, तो अच्छा तरीका। लार बोलने के भी काम आता है, अगर लार ढंग से ना बने तो हम आप बोल नहीं पाए, और ज्यादा बने तो बोलने में नुकसान परेशानी भी होती है, किसी का ज्यादा बन रहा है बोलने में परेशानी, और कम बन रहा है तो भी बोलने में परेशानी, आवाज चिपकता होगा, आवाज बेसुरी भी हो जाएगी और ढंग से निकलेगी। वो एंटी एजिंग का भी काम करता है, आपको बता दें। वाह, तो सबसे बेहतरीन चीज बता रहे। और जो चोट लगता है उसमें भी फायदा करता है, उसमें भी बहुत सारा चीज उसका लाभ कौन सा। स्लेवियर टेस्ट जो होता है, लार का जो टेस्ट होता है,
जिसे हम लोग ब्लड जांच कराते हैं, ये जो क्या बोलते हैं उसको, आपका भी लार खत्म हो गया क्या? लिक्विड ले रहे हैं। लार जिस तरह से ब्लड टेस्ट होता है एचआईवी टेस्ट की जांच के लिए भी लार टेस्ट किया जाता है, एचआईवी तो उसमें भी लार टेस्ट होता है। और अब तो कैंसर में भी या डायबिटीज पेशेंट को भी कुल मिलाकर बात यह है कि हमारे शरीर में 1,000 से 1,500 मिलीलीटर लार डेली बनना चाहिए। डेली, और डेली बनने के लिए हमको जब खाना चबा चबा कर खाएंगे तभी बनेगा। चबाने से ना वो जो है उसका लाल ग्रंथि जो एक्टिव कैसे होता है, कुछ मुंह में डाल करके उसको दादा जब बैठ खाना खाते थे ना एकदम आराम से बैठते, और आज का लाइफ जो है ना आराम से बैठ करके नीचे जो है आसन ग्रहण करके खाना खाना चाहिए। वो फालती मार करके आराम से जो है वो सब चीज जो है रहता है कि हम एक्शन में आगे कुछ करने के लिए, यहाँ तक तो है जाइए तो जो है क्या उसको बोलते हैं खड़े खड़े खाना है, खड़े खाना है, वहाँ ये हो रहा है और इधर न कर जाए उधर न जाए उससे लग मत जाए, खाना आराम से खाने की चीज है, खाना आराम से आप खाइएगा जरूर भी बैठ नहीं खाओ। पहले का ही तरीका सही था, ये संस्कार जो था इंडियंस कल्चर जो रहा है आराम से बैठ करके इसे बैठ करके सब चीज जो है पोस्चर सही रहता है, पेट सही है, कभी समय आराम से चबा चबा खाइए, लगे कि आप खाना खा रहे कि नहीं खाना आप खा रहे। ना ज्यादा लिक्विड चीज ऐसे भी आप मुंह में डालिए, गाढ़ा लिक्विड वैसे भी मुंह में आप डालिए तुरंत अंदर नहीं कर पाएगा आपका ये। हाँ तो स्मूदी गाढ़ा हाँ, होता है, स्मूदी जो होगा गाढ़ा जो होता है आपको अपना ही महसूस होगा कि थोड़ा सा मिला लें मिला, उसके बाद अंदर करें। लेकिन जो हम लोग पीत का जूस पीते हैं हाँ जूस ज्यादा से ज्यादा उसके तरीका है, अब वो जानते हैं हम ऐसा नहीं तो है क्या मतलब एक नाम दिया गया है और क्या, ये कोई बहुत बड़ा फॉर्मूला नहीं है, शुरू से चला आ रहा है हमारे यहाँ शुरू से ही है कि आप ढंग से बैठे खाना खाइए चबा के खाइए, मुंह में दांत जो है चबा नहीं करिए, है ना बाबू, मुंह में दांत किस लिए, चबाने के लिए, काटने के लिए दांत का। तो फ्रेंड्स आपने सुन लिया ना इस बार फॉर्मूला होता क्या है, समझ में तो आ गया होगा। हमको तो समझ में आ रहा है तभी तो बता रहे हैं। तो फ्रेंड चलिए अब वीडियो को करेंगे यहीं पे एंड स्मूदी के साथ। आपका स्मूदी खत्म हुआ, खत्म कर लिया, तो फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। आज आपको बेवकूफ बनाया गया है, कैसे याद रखेंगे, अच्छा वो कपड़ा